डॉक्टर, ये कब तक होश में आ जाएंगी? देखिए, इम्पोर्टेंट सर्जरी थी, हमने कैंसर अफेक्टेड ऑर्गन को तो निकाल दिया है, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब होश आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अच्छा, हम कब तक घर ले जा सकते हैं इसे? देखिए, फिलहाल तो हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन यही रखना चाहेंगे, वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांसेस। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। ठीक? पता नहीं क्या ठीक हुआ है। अरे हाँ राजीव, आज तुम्हारे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था ना? हाँ, पर वो नहीं। नहीं राजीव, पर वर कुछ भी नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर। और मम्मी जी को स्कूल ड्रॉप कर देना। नहीं नहीं, मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आज स्कूल में एग्जाम्स है ना मम्मी जी, आप प्लीज जाइए, हम लोग हैं ना यहाँ पर। मम्मी जी, आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं और जीजा जी है ना यहाँ पे, हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। मैं फोन करता रहूंगा। क्या? मैं मोबाइल ऑन रखूंगा। चलिए मैं कोख में अब कभी फूल नहीं खिलेगा। मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। शालिनी, एक्सेप्ट द फैक्ट। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या फायदा ऐसी अधूरी जिंदगी जी के? नहीं दीदी, आप अधूरी जिंदगी नहीं जियोगे। इस कोप में एक नन्ही सी जान पल रही है, लेकिन जब वो बाहर आएगी, सबसे पहले मेरा नहीं आपका मुंह देखेगी। अगर कोई बाहें उसे थामेंगी तो वो आपकी होंगी, क्योंकि उसकी मां मैं नहीं बल्कि आप होंगी, सिर्फ आप। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूं दीदी, ये बच्चा सिर्फ आपका होगा, सिर्फ आपका, और ये फैसला मैंने सोच समझ के लिया है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, अपने जिगर का टुकड़ा तुम मुझे दे दोगे? मेरी खुशी के लिए तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? एक मिनट शालिनी, नेहा का इस फैसला मानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नेहा के इस फैसले में राजीव की हां है या नहीं। नेहा, राजीव को इस बात का पता है? जी नहीं। और प्लीज आप लोग उन्हें बताइएगा नहीं, मैं खुद बता दूंगी। I'm sure वो मेरी बात समझ जाएंगे। पर नेहा, देखिए, ये हम मियां बीबी का प्रॉब्लम है, और वैसे भी आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छा पति अपनी बीवी की बात कभी नहीं टालता, है ना? दीदी, अब बस आप नाम सोचने लगे,
मैम हाँ, अब आपकी गोद में लड़का खिलेगा या लड़की ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन नाम तो ढूंढने पड़ेंगे ना। अगर बेटी होगी तो उसका नाम प्रियंका रखेंगे, और अगर बेटा होगा तो विशाल। ठीक है ना दीपक? एक्सेलेंट। नेहा ठीक रहेगा ना? दीदी बच्चा आपका है और नाम रखने का हक भी सिर्फ आपका है। मेरे पास तो वो आपकी अमानत है, नन्ही सी जान, बहुत प्यार से रखूंगी मैं उसे। नेहा वाकई तुम इस दुनिया की नहीं हो, फरिश्ता बनकर आई हो हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी को एक नया मोड़, नया अर्थ दिया है तुमने। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया ना अदा करके आप रेस करिए, मैं जाती हूं। आने वाला या आने वाली है ना, इस एक बात जरूर समझा देना कि सबसे पहले वो पापा बोलना सीखेगा या सीखेगी। आज मैं ऑफिस में सारा दिन बैठ के यही सोचता रहा कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम क्या होगा, और लड़की होगी तो उसका नाम क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, बड़े होगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इनफैक्ट मैंने तो नाम भी सोच लिए। अगर लड़की हुई तो उसका नाम रिया होगा, और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम विक्रम। नहीं राजीव, अगर लड़की हुई तो प्रियंका, और लड़का हुआ तो विशाल। पर नेहा ये तो वो नाम है जो शालिनी और दीपक ने अपने बच्चों के बारे में सोचे थे। कितने अरमान थे बेचारे। अरमान थे नहीं राजीव, उनके ये अरमान पूरे होंगे। नेहा तुम क्या कह रही हो, ये जानते हुए कि शालिनी दोबारा मां नहीं बन सकती है। राजीव ये बच्चा भले मेरी कोख में पल रहा हो, लेकिन खेलेगा तो दीदी की बाहों में, उनके आंगन में। हाँ राजीव मैंने सोच लिया है, बच्चा होते ही मैं दीदी की गोद में दे दूंगी। बच्चा हमारा नहीं दीदी का होगा। ये फैसला तुमने कब किया? राजीव ये फैसला मैंने दीदी की दुखी हालत देख के किया है। मैं भी एक औरत हूं, औरत का दर्द समझती हूं। राजीव मैं दीदी को मां बनने की खुशी देना चाहती हूं, और फिर ये बच्चा भी तो उनका अपना खून होगा। राजी ये बच्चा अपनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर ये बच्चा अपने सामने ही तो रहेगा, अपने आंखों के सामने इस घर में आएगा, खेलेगा, कूदेगा। बहुत कह चुकी तुम, भावनाओं में आकर तुम ये भूल चुकी हो कि मेरा भी बच्चा है, मेरा भी इस पे कुछ हक है। क्या मेरी इजाजत और फीलिंग्स की कोई जरूरत नहीं तुम्हें? हाँ राजीव, लेकिन मैं जानती हूँ एक ना एक दिन तुम समझ जाओगे कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है।
मुझे मेरे फैसले पे पूरा विश्वास है। तुम देखना मेरा ये फैसला बहुत से दुखी चेहरों पे मुस्कुराहट वापस लेके आएगा। चल बेटा, सबसे पहले भगवान जी के आगे माथा टेक, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। आ बेटा। आपने क्या मांगा? यही मांगा कि एक बेवकूफ सी लड़की जो मेरी बीवी है उसे थोड़ी सी अक्ल दे। बस बस, मेरी बिटिया को कोई तंग नहीं करेगा। चल बेटा, तुझे तेरे कमरे तक ले चलो। आओ बेटा। देखो शालिनी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हूँ भैया, दिखाओ ना, खुद देख लो। क्या गुड़िया? थैंक्स भैया। शालिनी बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए ये कमरा खोल दिया, चलो आराम कर लो। दीदी दीदी, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ जो आपको पूरा खाना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या खाएंगी? हलवा। हलवा ठीक है, मैं आपके लिए बनाती हूँ। माँ, हमारी परिवार की बहुत ही अच्छी किस्मत होगी जो नेहा जैसी लड़की हमारे यहाँ बहू बन के आई। माँ, तुम्हें पता है जो जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, नेहा ने उससे जुदा होने का फैसला कर लिया। क्या? मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाह रही हो। माँ, वो माँ, बच्चा पैदा होने के बाद नेहा ने उसे उसे मेरी झोली में डाल देने का वादा किया है। हो गया नेहा। बेटा, नेहा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, तुझे पहचानने में मुझसे बहुत देर भी हो गई और भूल भी। बेटा, तूने जो मेरी बेटी के लिए उपकार किया है, मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं बेटा। प्लीज, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, बल्कि ये हाथ मेरे सर पे रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो फैसला मैंने लिया है उसमें मैं कामयाब रहूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। दीपक और शालिनी की वीरान जिंदगी को तूने फिर से मुस्कुराहटों से भर दिया मेरे बच्चे।
मैं कौन से जन्म में तेरा ये उपकार उतार पाऊंगी। नहीं माँ, बदल जाती है ये दिशा।